का जुल्म किया है, हुजूर के जनाब दीवारों पे जुल्म किया है। फिर कल एक और बड़ी साजिश रचाई गई, वो जनाब फायर, उनको पता है, मैंने कहा फायरिंग करने वाला पकड़ो ना, उसको पकड़ो, किसने फायर किया है, हुकूमत तुम्हारी है, ये कौन है तो तुम्हारी हुकूमत में भी फायरिंग कर रहा है, हम तो पहले कहते थे ये कौन है, लाओ उसको सामने, जब तुम्हारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हो तो गोलियां चल रही हो रात के वक्त, उनको सामने लाओ, अब तो पंजाब में तुम्हारी हुकूमत है, ये कौन है गोलियां चलाने वाले, पूछो इनसे ये कौन है, ये कहां से आते हैं, वो कहते हैं गोलियां चलाई है, मैंने कहा हमारा तो हमें तो पता ही नहीं किसने चलाई है, ये तुम्हें पता है या उनको पता है जो छुप कर गोलियां चलाते हैं, आप और नंगे होंगे इंशाल्लाह, तालियां कर रहे हैं जनाब इसके बयान और इसकी गलियां। मैंने कहा फिर मेरे बयान तो PNN न्यूज के दफ्तर में भी पड़े हुए हैं, क्या उसको भी मुजरिम ठहराओगे, मेरा बयान तो हर वो आशक सुनता है जिसके दिल में हुजूर की आवाज है, और ये इल्जाम हमारे पर धरने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ये काम उस वक्त ने किया जब लाशें हमारे घर में पड़ी हैं, ये तो काम उनका है जिनके नाम लिए जा रहे हैं, हाँ ये काम उनके हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिनको नंगा होना है और जिनको बाबा जी कह के गए थे अल्लाहुम्मा से मादा, जिनको बाबा जी कह रहे थे जाता इन्हों कलर कल करके मारी, ये उनका वक्त है, ये उन्होंने किया है, और वो अपने इल्जाम डालकर किसी और पर न डाले, और अच्छा हुआ उसने भी है तो वो बेवकूफ आदमी, लेकिन उसने भी वक्त के साथ ही फौरन अपने मुल्ज़िमों का ताय्युन